ये सूजी काकरा मैं अपनी फ्रेंड व्यूअर रश्मिता को डेडिकेट करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस्कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं सूजी काकरा पिठा। ये देखिए, ये इसका रॉ वर्जन है और इसको मैंने फ्राई किया है। ये ओडिशा का एक फेमस पिठा है, फेमस स्वीट डिश है फ्रेंड्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए हमें चाहिए सूजी, पानी, सॉल्ट, शुगर, सौंफ और घी, और तेल मैं ले रही हूँ डीप फ्राई के लिए। एक फ्राई पैन में मैंने लिया है पानी। पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें नमक, सौंफ और इलायची डाल दिया है और थोड़ा सा मैं घी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो सूजी है वो अच्छे से निकल जाएगा, पैन में चिपकेगा नहीं। ये भी पूरा बॉयल होने लगा है और अब इसमें हम लोग शुगर ऐड कर देंगे और शुगर को मेल्ट होने देते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डालने से फ्रेंड्स क्या होता है, इसका मिठास और भी बढ़ जाता है। शुगर मेल्ट होने के बाद इसमें आप सूजी रवा को ऐड कर देंगे और इसको ऐसे स्टर कर देंगे, नहीं तो गुठली बन जाएगा। फ्लेम आप लो कर दीजिए और इसको थोड़ी देर ढक देंगे। मैंने अभी फ्लेम ऑफ कर दिया है, करीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने ऐसे रखा लो फ्लेम में। और अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, ये पैन में बिल्कुल नहीं चिपका। मैंने जो ये बनाया है विदाउट स्टफिंग बनाया है। अगर स्टफिंग वाला आपको चाहिए तो आप आटे का काकरा वीडियो मैंने एक अपलोड किया था वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोनों हाथों में मैंने तेल लगा दिया है और अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये पूरा चिकना हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये पूरा चिकना होना जरूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा अच्छे से वो पीठा नहीं बनेगा। करीबन 5 मिनट गूंदने के बाद देखिए हमारा जो सूजी का डो है कितना चिकना हो गया है। और अब इसका हम लोग डम्पलिंग बनाएंगे। ये देखिए, लेमन साइज के पोर्शन में मैंने ऐसे ले लिया है और अब इसको हम लोग ऐसे गोला बना देते हैं और इसको ऐसे ही प्रेस करेंगे। आप थोड़ा सा हाथ में तेल भी लगा सकते हैं और हथेलियों के हेल्प से ही इसको थोड़ा सा पतला कीजिए। ये जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया विदाउट स्टफिंग है, तो मैंने पूरा सूजी में ही शुगर ऐड कर दिया था। अगर आप स्टफिंग वाला बना रहे हैं तो थोड़ा सा ही शुगर इसमें ऐड कीजिए और बाकी सारा शुगर हमें स्टफिंग में ऐड करना है। और इसके बीच मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, इतना पतला हमें बनाना है ऐसे। हमारा गरम हो गया है और अब एक एक करके हम लोग इसमें डालेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी रहता है, आप ये बनाइए। हल्का होके ऊपर उठने लगा है और अब इसको थोड़ा सा पलट देंगे। अभी बन गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ। थोड़ा सा ये अभी सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद शुगर की वजह से ये थोड़ा क्रिस्पी होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद देखिए ये कितना क्रिस्पी हो गया है, कैसे साउंड आ रहा है। तो अभी आप भी ये बनाइए यम्मी सा सूजी काकरा पीठा और मुझे बताइए कि आपका कैसे बना ये पीठा।